हरवंश कुंद्रा आखिरकार 2 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राज कुंद्रा के बंगले किनारे के बाहर और आप देख सकते हैं कि उनकी जो कार है, मर्सिडीज कार जो है, वो उनके घर के तरफ बढ़ रही है। जेल से बहुत तेजी के साथ उन्होंने कई बार जमानत की अर्जी दी, लेकिन उनकी जो हिरासत है वो लगातार बढ़ाई जा रही थी और आखिरकार सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस मामले में पोर्नोग्राफिक वीडियो को अपलोड करने और शूट करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी। और अब राज कुंद्रा जो है अपने इसी घर में पहुंच चुके हैं। मर्सिडीज कार से वो निकले थे 50 मिनट पहले, 11:35 पर वो निकले थे और 50 मिनट के सफर के बाद आखिरकार वो यहाँ पहुंच गए। राज कुंद्रा का कहना है कि मुंबई पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है उसमें उनका नाम बाद में जोड़ा गया है, उन पर कोई मामला नहीं बनता है। आर्म्स क्राइम मीडिया लिमिटेड में वो फरवरी 2019 से फरवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक जुड़े रहे और उसके बाद उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है। जहां तक हॉटशॉट ऐप की बात है, उनका कहना है कि हॉटशॉट ऐप के लिए काम करने वाले किसी भी बंदे ने उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, कोई धमकी भरा मामला नहीं था, किसी भी शिकायत के बगैर उनका नाम हॉटशॉट ऐप से जोड़ा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि वो इरोटिक वीडियोस हॉटशॉट के लिए बनाते थे, लेकिन उनका कहना है कि ये पोर्नोग्राफी का जो पूरा मामला बनाया गया है वो जबरदस्ती वाला मामला है, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।